हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पर उससे पहले मैं कुछ बातें भी शेयर करूंगी लाइक मेरे स्किन रिलेटेड। सो मेरा जो स्किन है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन है एंड मुझे ना पिंपल्स, ब्रेकआउट इन सभी का प्रॉब्लम नहीं है। कवर मेरे स्किन पे ब्रेकआउट्स होता है जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती हूँ या फिर रेगुलर स्किन केयर फॉलो नहीं करती हूँ तो, लेकिन वो जो ब्रेकआउट्स है वो एक दो दिन के अंदर ना खुद ही गायब होता है। एंड जो पिंपल्स है वो भी होता है लेकिन खुद ही गायब होता है दो तीन दिन के अंदर, और अगर नहीं होता है तो मैं जस्ट एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ देन वो गायब हो जाता है। सो मुझे इन सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे स्किन का जो सीवियर प्रॉब्लम है वो है सन टैनिंग। एंड आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में सन टैनिंग को लेकर कहती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत गंदे तरीके से सन टैनिंग होता है, सन बर्न होता है एंड मेरे फेस पे ना ओवरऑल फेस पे सन टैनिंग नहीं होता है। मुझे फोरहेड, नोज एंड जो लिप्स के अराउंड है यहाँ पर बहुत गंदे तरीके से टैनिंग होता है जो कि बहुत जल्दी रिमूव भी नहीं होता है। ऐसा टैनिंग होता है ना जिसकी वजह से जब मैं खुद अपने स्किन को टच करती हूँ तो मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, हाइड्रेटिंग एंड ऑल सॉफ्ट एंड स्मूथ लगता है, लेकिन जब लोग देखते हैं मेरी स्किन को तो उन्हें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, ड्राई, डैमेज लगता है क्योंकि मेरा जो टैनिंग है वो ऐसा ही होता है। हमेशा बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ कि कौन सा टैनिंग का प्रोडक्ट यूज़ किया जाए मेरे स्किन के लिए एंड मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, उनके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं एंड मैं शेयर भी करती हूँ, एंड नहीं मिलते हैं तो उनके रिजल्ट्स मैं शेयर नहीं करती हूँ। सो ये जो एक प्रॉब्लम है ये मुझे बहुत दिनों से है एंड आई थिंक आगे भी रहेगा। तो मुझे समर्स में ज़्यादा टैनिंग होता है तो मैं समर्स आने से पहले ही ना सर्च करती रहती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट इस बार यूज़ किया जाए जो मेरे स्किन के लिए अच्छा होगा एंड मुझे रिजल्ट्स भी मिले, क्योंकि हर साल कोई ना कोई प्रोडक्ट आता है। हर भी मैंने सेम वे ही चूज़ किया, मैंने सर्च किया एंड मैं बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने देखा कि न्यूड ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनकी फेस वॉश एंड सीरम। एंड न्यूड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, हेयर रिलेटेड हो गए या फिर फेस रिलेटेड, तो मुझे वो पसंद भी आता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जो न्यू लॉन्चेस हैं उन्हें ट्राई करने के लिए। फेस वॉश एंड एक सीरम मैंने परचेज किया एंड उसे मैंने यूज़ भी किया। सीरम का जो रिव्यू है वो मैं कुछ दिन बाद दूंगी, मुझे वो और कुछ दिन यूज़ करना है, लेकिन फेस वॉश का जो रिव्यू है वो मैं आज शेयर करूंगी क्योंकि एक रिव्यू वीडियो तो बनता ही है। तो दिस इज द प्रोडक्ट, ये न्यूड का न्यू लॉन्च फेस वॉश है। इसमें आपको ना और भी बहुत सारे वेरियंट मिलेगा। सो ये जो न्यूड का फेस वॉश है ये है स्किन ब्राइटनिंग फोमिंग फेस वॉश। का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन सी, लिक्विडाइज रूट एक्सट्रैक्ट एंड ये स्किन की जो डलनेस है उसे रिमूव करता है। जो फोटो डैमेज हो गया है लाइक मतलब सन टैन और सन बर्न हो गया है उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वन ऑफ विटामिन सीज मेन फंक्शन इज प्रोटेक्टिंग द स्किन फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेजेस लाइक अल्ट्रावायलेट लाइट एंड पॉल्यूशन। Free radicals in the skin fights visible signs of aging like wrinkles, dullness. It plays an important role in collagen synthesis, which is important for keeping skin young and firm. It revitalizes sun damaged skin and improves skin appearance, including fine lines, roughness, and skin tone. When it comes to fading spots, licorice works in a very similar way as hydroquinone. It helps remove excess melanin and blocks the production of enzyme that cause pigmentation in the skin. That's why it is known as natural skin lightening agent. It has skin soothing properties and works wonderful in improving the look of an uneven skin tone. Your pigmentation fading secret weapon, your taste buds might not like it, but your face will. थोड़ा सा इनके पैकेजिंग के बारे में बोलना चाहिए। सो इनका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा होता है, आपको कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव होगा। हर एक वेरिएंट का कलर ना अलग अलग है एंड तो दिस इज द प्रोडक्ट। ये जो फेस वॉश है इसमें आपको क्वांटिटी मिलता है 150 ml एंड इसका प्राइस है 520 rupees। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अगर आपको बहुत अच्छा फेस वॉश चाहिए तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक फेस वॉश है। सो
इसे मैंने यूज़ किया है एंड इसे यूज़ करने के बाद आई फील कि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन किया है, डीपली क्लीन किया है एंड आपको एक इंस्टेंट रेडियंट मिलता है, एक इंस्टेंट ब्राइटनेस मिलता है एंड जहाँ जहाँ पर आपको टैनिंग है ना, वहाँ से आपका जो टैनिंग है वो धीरे धीरे रिमूव भी होगा। एक ही यूज़ में आपको उसका फ़र्क नहीं मिलेगा, आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपका जो टैनिंग, सनबर्न और डार्क स्पॉट है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो जो बेस्ट बात है वो है कि ये आपको इस तरीके से एक ब्रिसल्स के साथ मिलेगा, जिसके वजह से ना ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करेगा। सो मुझे ये फेस वॉश पर्सनली बहुत बहुत पसंद आया है एंड मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है बट आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करना है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर ग्लो चाहिए तो आप दूसरा जो वेरियंट है उसे भी ट्राई कर सकते हो। आप ये जो फेस वॉश है ये अवेलेबल है न्यूट के अपने वेबसाइट पे, तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एंड आई थिंक ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे भी अवेलेबल है। सो अगर मुझे लिंक्स मिलता है तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। अगर आपको परचेस करना है तो आप लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो। गाइज आई होप आप सबके लिए छोटा सा रिव्यू वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड अगर आपके लिए इतना सा भी हेल्प किया है इस वीडियो ने तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करना कि आपके स्किन का प्रॉब्लम क्या है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली अभी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लव यू गाइज, बाय एंड स्टे सेफ।